ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन की नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम लोग चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करें या फिर हम लोग क्या करें, इस सिस्टम को सिंप्लीफाई कर लें बाय सूटेबल सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन अगर आपको याद आ जाता है तो अच्छी बात है, एक लिस्ट होती है सब्सटीट्यूशन की, वहाँ से आप सिंपल सा याद रख सकते हो कि यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूशन करें। ये एक करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी है, आपको पता होना चाहिए कि 1 - tan²θ जो आपका होता है 1 - tan²θ / 1 + tan²θ, ये cos²θ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो हम इस सिस्टम को पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग सब्सटीट्यूशन करेंगे, सपोज या लेट x = tan θ, तो ये आपका जो y होगा ये सिंप्लीफाई होगा cos−1 - tan²θ / 1 + tan²θ, that is equals to cos inverse of cos of 2θ, ठीक है, ये cos²θ का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ के बाद cos inverse of cos 2θ, ठीक है, क्या हम इसे 2θ लिख सकते हैं, दैट इज द बिग क्वेश्चन। ठीक, अगर आप कॉम्पिटिशन अप्रोच कर रहे हो तो आपको हमेशा इस जगह पे अलर्ट रहना है, हमेशा cos inverse of cos 2θ के इक्वल नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने इसकी बात ही नहीं करी थी कि ये क्यों दे रखा है, ये एक्चुअली इसीलिए दे रखा है ताकि आप लिख पाओ। देख लीजिए ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जो अब यहाँ देखिए x आपने क्या एज्यूम किया था, tan θ, और x कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से 1 लाई करता है। तो अगर हम tan θ का ग्राफ देखें, हम ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे θ वर्सेस x, ठीक है, ये x आपका क्या हो गया, x एज ए फंक्शन ऑफ θ है, ठीक है, तो θ हमारा वेरिएबल x एक्सिस पे हो गया और x रेंज है हमारा tan θ का। तो हम x = tan θ ग्राफ खींचते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे आता है, यहाँ पे जो y = π/2 एसिम्प्टोट होता है, दैट इज x = π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका π/2, ठीक है, और ये आपका हो गया, ये -π/2 हो गया और ये हो गया आपका π/2, ठीक। तो θ = क्या हो गया आपका π/2, और ये θ = क्या हो गया आपका -π/2, ठीक है। अब आपको कहा गया है जो x की वैल्यू है, ठीक है, जो x की वैल्यू है 0 से 1 है, तो ये लाइन क्या हो गई, x = 0 हो गई, और ये लाइन हो गई x = 1, तो ये लाइन हमने x = 1 ड्रॉ कर दिया, x = 1, ठीक है, ये ग्राफ को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितना होगी, अगर आप ड्रॉप करो तो इसके लिए जो थीटा आएगा वो 45 डिग्री आएगा, या रेडियन में कहें तो π/4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जब ग्राफ 0 से 1 है, मतलब ग्राफ के लिए थीटा 0 से 1 है, तो जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से 1 वेरी कर रही है, मतलब थीटा जब 0 से π/4 है, सॉरी, तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1। उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर x 0 से 1 लाई कर रहा है, x > 0 and < 1 implies जो थीटा आपका है ये > 0 है, ठीक है, and < π/4 है। तो यहाँ से सोचिए 2θ क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 0 < 2θ + 2 × π/4, तो 2 कट गया, तो कितना आ गया आपका, यहाँ सब कैलकुलेट होके π/2 आ गया, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका 0 आ गया, इसका मतलब 2θ जो है जब x 0 से 1 लाई करेगा तो 2θ जो है 0 से कहाँ लाई करेगा, π/2 लाई करेगा। अब देखिए ये जो cos inverse है, cos inverse जो अगर आप 2θ लिखना है, cos inverse आप cos 2θ को 2θ लिख रहे हैं, तो 2θ मस्ट बी लाइज विद इन द रेंज ऑफ cos inverse,
और कॉस इनवर्स का अगर ग्राफ आपको पता हो या उसकी रेंज याद हो, ठीक है, तब आप डिसीजन ले सकते हो। ये आपका क्या है, कॉस इनवर्स का ग्राफ है, ये आपका हो गया पाई और ये हो गया जीरो, यहाँ हो गया आपका माइनस वन और ये हो गया आपका वन। तो जो कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है उसकी डोमेन या कॉस इनवर्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन माइनस वन से वन होती है और रेंज क्या होता है, जीरो से पाई होता है, ठीक है। तो हमें बस चेक करना है कि जो हमारा ये टू थीटा है क्या वो जीरो से पाई आ रहा है। यस, क्योंकि टू थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाई टू है, ठीक है। इसीलिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा को टू थीटा हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें कुछ और करना पड़ता। खैर, बोर्ड के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं होता है, लेकिन अगर कंपटीशन की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेप है, ये यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, उसके लिए आप इसी तरह से सोचोगे, ठीक है। खैर, बोर्ड तो आसान होता है, बोर्ड में आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका आंसर तो आएगा ही आएगा, अब बोर्ड में मैच करेगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हमने बताया। खैर, तो हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो पहले और थोड़ा सा थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा यहाँ से हो जाएगा आपका दैट इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स, से दैट इज इक्वेशन नंबर वन, इसे इक्वेशन टू मान लेते हैं। तो इक्वेशन टू से हम इसे क्या लिख सकते हैं, टू टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब वाई एज ए सिंप्लीफाई हो गया है से इक्वेशन नंबर थ्री, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहीं पे लिख देते हैं, लिख देंगे यहां पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अच्छा, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है इस समय, ये सिर्फ बोर्ड के लिए है ना, जो बोर्ड के प्रेजेंटेशन के लिए, इससे पहले जो हमने लिखा या बताया था उसको मिटा दिया, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव नॉलेज के लिए, अगर आप कॉम्पिटिशन की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो, अदरवाइज तो आपके लिए सो सिंपल। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स, दैट इज टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। और ये डिफ्रेंशिएशन आपका स्टैंडर्ड है, मेमोराइज होना चाहिए आपको, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, योर डी वाई बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर देखिए कितना सिंपल आ गया, ठीक है।